बीते दिनों ही ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम दिव्या भटनागर ने अंतिम सांस ली है। दिव्या भटनागर के निधन के बाद से उनकी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे सच सामने आ रहे हैं जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया है। दिव्या भटनागर ने टीवी के कई हिट सीरियल्स में काम किया था। उन्हें पहचान राजन शाही के हिट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से ही मिली थी। दिव्या भटनागर के निधन की खबर सुनकर हर किसी को झटका लगा है। उनके निधन से पूरी टीवी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। हिना खान से लेकर अंकिता लोखंडे समेत कई टीवी स्टार्स ने उनके निधन पर शोक जताया है। दिव्या भटनागर ने पिछले साल दिसंबर महीने में ही शादी रचाई थी। निधन के बाद उनकी शादी की तस्वीरें वायरल होने लगी हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम दिव्या भटनागर और गगन गबरू एक दूसरे को लंबे समय से डेट कर रहे थे। गगन को दिव्या ही मुंबई लेकर गई थी। अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड गगन गबरू से शादी करके दिव्या भटनागर काफी खुश थी। उनके चेहरे पर ये खुशी साफ देखी जा सकती है। गुरुद्वारे में शादी रचाने के बाद दिव्या भटनागर ने पति गगन के साथ जमकर तस्वीरें भी क्लिक करवाई थी। इस तस्वीर में वो पाउट बनाकर पोज देती हुई भी नजर आ रही हैं। दिव्या गगन से सच्ची मोहब्बत करती थी लेकिन उनका परिवार गगन को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता था। यही वजह है कि दिव्या की शादी में उनके परिवार से जुड़ा कोई भी सदस्य नहीं आया था। वेल, आपको बता दें कि दिव्या भटनागर ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। उनकी शादी में सिर्फ उनके कुछ ही दोस्त शामिल हुए थे। दिव्या भटनागर की पुरानी दोस्त देवोलीना ने खुलासा किया है कि गगन गबरू दिव्या भटनागर के साथ काफी मारपीट करता था और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा था। वेल, इस बात पर अभी तक गगन गबरू का कोई रिएक्शन नहीं आया है। आपको क्या लगता है कि आखिर दिव्या भटनागर और गगन गबरू के बीच क्या वाकई में सब कुछ खराब हो गया था? आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।